गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज तक मेरा जो क्या कहते हैं आपका चैनल में आप सबको मैंने दिखाया है दुबई का सिटी, दुबई के रास्ते, दुबई के टावर्स, सो ऑन, राइट। सॉरी यहाँ गला थोड़ा बैठ गया है ठंडी से, क्योंकि वहाँ का जो मौसम थी और यहाँ का जो है, ओ माई गॉड, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। फिलहाल मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश, एंड अरुणाचल प्रदेश किसे कहते हैं, क्या है, यह आपको इस वीडियो की सीरीज़ में मैं दिखाऊँगा, ठीक है। हाँ, ज़रूर, मैंने कुछ लंबे कुछ समय हो गया जो मैंने वीडियो नहीं डाला, लगभग मंथ होने वाला है। इसका वजह है मेरा मोबाइल जिस पर मैं एडिट करता था वो ख़राब हो गया, क्या कहते हैं, पानी लग गया था। दैन लैपटॉप में वो पॉसिबल नहीं होता हर जगह कैरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश होता रहता है। ये अरुणाचल है भाई, जहाँ पे आपको फुल ही फुल नेचर से भरा भरा मिलेगा। दैन यहाँ पे बहुत सारा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन है जो टूरिस्ट के लिए ना, वो सारा चीज़ें मैं आज को आपको एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। अरुणाचल में क्या क्या देखने को मिल सकता है, व्हाट यू कैन विजिट हियर, एक्सप्लोर हियर, है ना, एक्सेप्ट राइडिंग। बहुत लोग यहाँ पे ट्रैकिंग में आता है, ट्रैकिंग के अलावा और यहाँ पे ऐसा टूरिस्ट में आता है या फिर एडवेंचर के लिए आता है, बहुत चीज़ें पे देखने के लिए हैं यहाँ पे। अरुणाचल का हमें बोलना से स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में है, इंडिया का एक कोने में है, है ना, और इंडिया का एक पार्ट है। सो अरुणाचल के लोग कैसे होते हैं, अरुणाचल में क्या क्या देखने को मिलता है, ये सीरीज में देखेंगे आप, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं जर्नी। भाई अभी तक तो हम लोग आसाम में हैं, ठीक है, यहाँ से अभी अरुणाचल को निकल रहा है। कितना व्यूज बढ़िया लग रहा है ना आसाम का, यहाँ मस्त है यार। ड्राइविंग स्किल थोड़ा प्रॉब्लम है जैसे दुबई में, वैसा नहीं है यहाँ। हालांकि रूल्स यहाँ में भी है लेकिन पालन करने वाला कोई नहीं है। एनीवे, अभी तो हम आसाम से अरुणाचल के लिए जा रहे हैं और जैसे ही अरुणाचल पहुँचेगा मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, देखो तो रास्ते में कितना सारा बंदर है, आई मीन मंकी बोलते हैं ना, इसके लिए कुछ ब्रेड वगैरह लाया था। चलो ब्रेड वगैरह देखो, देखो किस आते दोनों वहाँ आगे में भी बहुत है, भाग गया होता। चलते चलते दो, चलते चलते करते हैं बंदर यहाँ ना, आगे भी नहीं डरते लोग, हम टुकड़ा टुकड़ा करने से सीखते हैं। इतना भरा तो कैसे ले जाएगा होगा अभी इसने, लो देखिएगा कैसे ले जाते इतना भरा। आम वो देखा ही नहीं, आम उसने गिर गया, इतना ज़्यादा बंदर भरा हुआ। ओह वाह, मांग रहे हो देखो, ये लो यहाँ जमा होके बैठा आ जा। हाथी गेट के बाद लगभग 2 किलोमीटर के आसपास में आपको यहाँ नजर आएगा काफी सारा धान का खेती है, जो क्या कहते हैं धान को, क्या राइस फील्ड है ना, उधर देखो ना बहुत सुंदर राइस फील्ड, राइस फार्म नजर है, काफी खूबसूरत है शायद। और यहाँ से बालीपुंग यानी अरुणाचल गेट लगभग अभी आपको होगा यहाँ से 18-19 किलोमीटर है, ठीक है। और मौसम देखो यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन अरुणाचल जैसे ही पहुँचते हैं फिर आपको कोई पता नहीं, वहाँ बारिश हो सकता है, खराब है ना, या फिर फॉग हो सकता है। सो यू ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। आसाम एंड अरुणाचल के बॉर्डर आसपास में हूँ अभी, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है यार, अनबिलीवेबल। ऐसा मौसम बहुत कम ही देखने को मिलता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे फॉग रहता है, बारिश रहता है। जो भी विजिटर है वो लकी है आज, जो भी घूम रहे हैं देखो काफ़ी विजिटर रास्ते रास्ते में देखने को मिलेगा आपको यहाँ।
कितना हरा भरा है, देखो खिड़की से दिखाओ ना। असम का धान खेती का मजा लो मेरे भाई, देखो कितना खूबसूरत है। गाइस अभी हम आ चुके हैं प्रॉपरली अरुणाचल एंड आसाम के बॉर्डर, ठीक है। अरुणाचल और असम का जो चेक पोस्ट है ना बॉर्डर का, वो ये है आपका आसाम का चेक पोस्ट, ठीक है। मैं धीरे से चलता हूँ ताकि आपको दिखा सके। उधर देखो आसाम का चेक पोस्ट लिखा है, बात दिखाओ पुलिस वाले पुलिस वगैरह। ये वाला है आसाम का चेक पोस्ट एंड बस 100 मीटर में है आपका अरुणाचल का चेक पोस्ट। यह है हमारा प्रॉपरली अरुणाचल गेट, देखो कैसा लग रहा है। दिस इज कॉल्ड अरुणाचली गेट, अरुणाचल का गेट है ये। सिंह गेट, सिंह वाला गेट है, सिंह वाला गेट का नाम ही सिंह गेट है। अच्छा सिंह गेट है इसका नाम। आदमी लोग इसे बोलते थे सिंह गेट। ये अरुणाचल का गेट है। यदि आप असम से हो, दिल्ली मुंबई कहीं से भी हो ना, आपको यहाँ आके ILP पास शो करना होगा, ठीक है। ये देखो लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में बोथ साइड में चेक पोस्ट है। उधर में एक अंकल जी बैठे हैं, उसे दिखाना पड़ेगा। ओके देखो यहाँ पे आर्मी वाला भी बैठा है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। बट अपने को कोई टेंशन नहीं है, चलो चले। अभी अरुणाचल के अंदर आ गया। सो गाइस वेलकम टू अरुणाचल, हम अरुणाचल आ गए हैं, ठीक है। और अरुणाचल के टूर में आप सबको कभी कभार बाइक में कराऊंगा, कभी दिन गाड़ी में कराऊंगा, कभी स्कूटी में कराऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो जो देखने का नज़ारा लाइक है वो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। सो बने रहिए क्या लास्ट तक, लेट्स गो।